हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। तो इस वाले न्यूमेरिकल में देखिए कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी मास एम है। द मास ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज एम इज हैंगिंग फ्रॉम द सेलिंग ऑफ ए एक्सेलरेटेड कार्ट। ये एक कार्ट है, जैसे ही एक्सेलरेट करेगा तो ये जो सिंपल पेंडुलम है वो वर्टिकल से थीटा डिग्री पर आ जाएगा। ठीक है, ये जैसे ही ये कार्ट एक्सेलरेट करेगा ये सिंपल पेंडुलम इधर मूव करेगा। ठीक है, और कहीं पे जाके रेस्ट में आ जाएगा वर्टिकल से थीटा डिग्री पे, क्योंकि ये ए एक्सलेशन से मूव कर रहा है। अगर इसके ए रेस्ट होता तो ये थीटा जीरो होता, या ये कार्ट इधर अप डाउन किसी भी डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता। क्या होता? वेलोसिटी कांस्टेंट होता या एट रेस्ट होता। मतलब कुल मिला के अगर एक्सलेशन जीरो है तो थीटा जीरो होता, बट अभी एक्सलेशन जीरो नहीं है, एक्सलेटेड है, तो कुछ थीटा की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और उस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना हमको। चलिए तो इसको हम लोग करते हैं, इसको हम लोग सूडो से करते हैं। तो सूडो से करने का क्या तरीका है? सूडो से करने का ये तरीका है कि इस वाले पे ये जो कार्ट है एक्सलेशन से एक्सलेट हो रहा है, तो इसमें जो ऑब्जर्वर है ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, और ये इस बॉल, इसका जो बॉल का मोशन है वो इसे रेस्ट में दिखाई देगा, और ये सूडो फोर्स लगाएगा। तो इस स्ट्रिंग पे जो टेंशन टी है वो वर्टिकली अपवार्ड जा रहा है, ठीक है, और वेट एम जी वर्टिकली डाउनवार्ड जा रहा है जो अर्थ लगा रही है। इसके अलावा ये जो पर्सन है इस पे एक सूडो फोर्स लगाएगा। सूडो फोर्स किधर लगाता है? सूडो फोर्स लगता है अपोजिट टू फ्रेम ऑफ एक्सलेशन, ठीक है, और मास ऑफ द बॉल और एक्सलेशन ऑफ द फ्रेम। तो कुल मिला के इस पे तीन फोर्स लग रहे हैं। ये हॉरिजेंटल वाली लाइन है और ये वर्टिकल वाली लाइन है। तो अगर इस बॉब का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इस बॉब पे जो फोर्सेज लग रहे हैं वो हम लोग देखते हैं। ये हॉरिजेंटल लाइन है और ये वर्टिकल वाली लाइन है। तो वर्टिकल से ये एंगल अगर थीटा है तो टेंशन वर्टिकल से थीटा डिग्री पे लग रहा है, ठीक है। तो जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको अगर हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करें तो सबसे पहले जो टेंशन है, टेंशन टी इधर लग रहा है, ठीक है, जो कि वर्टिकल से थीटा डिग्री पर है, ठीक है, और वेट एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड जा रही है, और सूडो फोर्स इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है। तो दीज आर द थ्री फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन दिस बॉब। अभी इस आदमी को ये जो बॉब है वो रेस्ट में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जो रेस्ट में दिखाई दे रहा है तो हम एक्चुअली टेंशन के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। वर्टिकली अपवार्ड जाएगा टेंशन का एक कंपोनेंट जिसका नाम होगा टी कॉस थीटा, और वर्टिकली डाउनवर्ड इधर जाएगा जिसका नाम होगा टी साइन थीटा, ठीक है। तो अगर ये रेस्ट में है तो टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू सूडो फोर्स एम ए, और टी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू वेट एम जी, ठीक है। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन से मैं डिवाइड कर दूँ तो मुझे मिलेगा टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी। तो एक्सलेशन ए की वैल्यू आ जाएगी जी टेन ठीक। अगर इस सेम प्रॉब्लम को बिना सूडो के भी कर सकते हो, ठीक है, ग्राउंड फ्रेम से मोशन को ऑब्जर्व कीजिए। तो ग्राउंड फ्रेम से अगर मोशन को ऑब्जर्व करेंगे तो एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है, अब कोई सूडो नहीं लगाएगा, ये ऑब्जर्वर कोई सूडो नहीं लगाएगा, और टेंशन टी अपवर्ड लगेगा, और हॉरिजेंटल वाली लाइन इधर है और टेंशन टी वर्टिकल से थीटा डिग्री पे लग रहा है। तो टेंशन के जो कंपोनेंट आ जाएंगे वो दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक हो जाएगा ऊपर की डायरेक्शन में जिसका नाम होगा टी कॉस थीटा, और एक आ जाएगा इधर जिसका नाम होगा टी साइन थीटा। अब वर्टिकल में सिर्फ दो ही फोर्स लग रहा है, टी कॉस थीटा एम जी। तो अगर रेस्ट में रहना है तो टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी इक्वेशन फर्स्ट। और इस ऑब्जर्वर को ये जो बॉब है ये बॉब एक्स एक्सिस में जाता हुआ दिखाई देगा,
एक्स एक्सिस में जाता हुआ दिखाई देगा, मतलब टी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू फोर्स एम ए, क्योंकि इस ऑब्जर्वर को इस बॉब पे एक्स एक्सिस में नेट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू एक्स एक्सिस में एम ए है, टी साइन थीटा से ये बॉब एक्सलरेट हो रहा है, तो एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ये इक्वेशन सेकेंड है। ठीक है, तो सेकेंड में फर्स्ट डिवाइड कर दीजिए तो वी विल गेट टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई जी, तो थीटा इज इक्वल टू अगेन टेन इनवर्स ए वाई जी, दिस इज बाई रियल फोर्सेस ग्राउंड के फ्रेम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही देखिए बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि एक पेंडुलम है जो जिसका मास एम है और मूविंग विद कांस्टेंट एक्सलेशन ए से चल रहा है इंक्लाइंड प्लेन पे, इन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री दिया हुआ, तो ये जो वर्टिकल से थीटा डिग्री पर है, तो अगेन हमको थीटा की कैलकुलेशन करनी है, तो इस सिंपल पेंडुलम पे फोर्सेस कितने लग रहे हैं, तो इस सिंपल पेंडुलम पे एक टेंशन लगेगा जो स्ट्रिंग के अलोंग जाएगा जिसका नाम होगा टी, और एक वर्टिकली डाउनवार्ड जाएगी वेट एम जी, और अगर एक्सलेशन इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल है तो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स लगेगा जिसका जिसका नाम होगा एम ए, मास ऑफ द बॉब और एक्सलेशन ऑफ द फ्रेम। तो इस वाले क्वेश्चन को देखिए, तो यहाँ पर जो टेंशन है, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग जा रही है, टेंशन टी, दिस इज द टेंशन टी, ठीक है, टेंशन टी इधर जा रही है, वेट एम जी वर्टिकली डाउनवार्ड जा रहा है, दिस इज द वेट एम जी वर्टिकली डाउनवार्ड जा रही है, ये एंगल अल्फा है वर्टिकल से, ठीक है, और इस पे ये सूडो फोर्स, यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है इसी के फ्रेम से मैं मोशन देख रहा हूँ, तो ये ऑब्जर्वर एक सूडो फोर्स लगाएगा और इसकी डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है, और इसकी वैल्यू मास ऑफ द बॉब एक्सलेशन ऑफ फ्रेम के बराबर होगी। ठीक है, तो चलिए एंगल देखते हैं, ये वाली जो एंगल है वो थीटा डिग्री है, तो ये जो एंगल है वो भी थीटा डिग्री होगा, तो टेंशन के दो कंपोनेंट होगा, एक होगा इधर जाएगा जिसका नाम होगा टी कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा जिसका नाम होगा टी साइन थीटा। ठीक है, एम जी के दो कंपोनेंट होंगे और एम जी का एक कंपोनेंट इधर जाएगा जिसका नाम होगा एम जी कॉस अल्फा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा जिसका नाम होगा एम जी साइन अल्फा। ठीक है, तो ये एम जी के कंपोनेंट हो गए। अब जो मैं जो एक्सिस लिया हूँ वो मेरा ऐसे है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, ये अपना एक्स एक्सिस है और ये अपना वाई एक्सिस है, तो इसके मोशंस का इक्वेशन लिखिए, जब इसके मोशन का आप इक्वेशन लिखें, टी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एम जी साइन अल्फा, एम जी साइन अल्फा प्लस सूडो फोर्स एम ए, इक्वेशन फर्स्ट। वर्टिकल में लिखिए, वर्टिकल में टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट से सेकेंड में अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी, टेन थीटा दैट बी इक्वल टू जी साइन अल्फा प्लस ए डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली ये थीटा, अब वैल्यू डाल दें, अगर इसमें हम वैल्यू डाल दें हम लोग, ठीक है, तो जी की वैल्यू अगर टेन टेन डालें तो साइन अल्फा की वैल्यू 30, साइन 31/2, ठीक है, और प्लस एक्सलेशन 1 दिया हुआ था, डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू 10 और मल्टीप्लाइड बाई कॉस 30 साइन 60 √3 / 2 प्लस
तो ये 2 से 2 कट गया और ये 5 और ये आ गया 5, ठीक है। तो 6 जो 10 10 थीटा की वैल्यू आ गई वो आ गई 6 बाई रूट 3, ठीक है, 6 बाई रूट 3। तो थीटा इज इक्वल टू, इस केस में बदलेगा, 10 इनवर्स 6 बाई रूट 3। तो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चों तक ये पहुँच सके।